उत्तर क्षेत्रीय फॉरेंसिक लैब धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश के न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और सरकारी अधिवक्ताओं के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें साइबर क्राइम, स्मार्टफोन एवं क्लाउड फॉरेंसिक का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसमें उत्तर क्षेत्र के 6 जिला के 25 अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस कार्यशाला का मकसद डिजिटल युग में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों में तकनीक की सहायता से सही साक्ष्यों को जुटाना है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के तहत प्रदेश के न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और सरकारी अधिवक्ताओं को साइबर क्राइम से जुड़ी बारीकियों से अवगत करवाया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने पूरे देश में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब रहे कि प्रदेश में लगातार साइबर क्राइम अपने पैर पसारते जा रहा है। सोशल मीडिया पर आने वाली रोज की अफवाहों से साइबर क्राइम में बढ़ोतरी भी हुई है। जो बात सोशल मीडिया में आ जाती है उसके हल करने के लिए काफी समय तक लग जाता है। धर्मशाला स्थित फॉरेंसिक लैब में प्रदेश के 6 जिला के अधिकारियों को विशेषज्ञों द्वारा साइबर क्राइम से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। इन अधिकारियों को साइबर क्राइम से निपटने के लिए हर पहलू से तैयार किया जा रहा है। धर्मशाला फॉरेंसिक लैब में मौजूदा विशेषज्ञों की माने तो साइबर अपराध शिकायत आने पर ये अधिकारी उक्त स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। प्रदेश फॉरेंसिक लैब जुंगा के निदेशक डॉक्टर अरुण शर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लगभग 1.5 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जिसके तहत साइबर क्राइम और साइबर अपराधों से निपटने के लिए केंद्र की ओर से कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें तमाम पुलिस अधिकारियों, सरकारी अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को इस बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि साइबर क्राइम के पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके। यहाँ पर जो कार्यशाला ऑर्गेनाइज की जा रही है, ये भारत सरकार की स्कीम है प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन। उसके तहत हमें भारत सरकार से कुछ पैसे मिले थे 1.5 करोड़ के करीब, और उसमें 3 कंपोनेंट थे, एक तो साइबर फॉरेंसिक लैब और एक साइबर ट्रेनिंग सेंटर और पोर्टल। पोर्टल का जो कार्यक्रम है वो तो कुछ प्रभाव दिख रहा है। साइबर फॉरेंसिक लैब और साइबर ट्रेनिंग सेंटर जो हमारे पास है, साइबर फॉरेंसिक लैब में एक तो हमने अपनी साइबर फॉरेंसिक लैब जो स्ट्रेंथन की, उसमें नए नए किस्म के इक्विपमेंट खरीदे गए हैं, और ट्रेनिंग सेंटर जो है वो इसलिए रखे गए, 2 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं, एक शिमला में है स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के, और दूसरा आरएफएसएल धर्मशाला में है। ट्रेनिंग सेंटरों का मकसद ये है कि इसमें जितने भी उसकी स्कीम की तहत ये है कि पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी की सबकी, इनकी जो है स्टेक होल्डर जो है इसके क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के, उनकी ट्रेनिंग कराई जाए और उनको अवेयरनेस कराई जाए इनके टूल्स, सो दैट ये जो एविडेंसेस हैं उनका प्रॉपर तरीके से इकट्ठे किए जाएँ पुलिस द्वारा, इनके तरीके से प्रोसेस किए जाएँ और कोर्ट भी इनको अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करें। ये इसमें ये जो स्कीम है 2019-20 तक चलनी है। सर, ये कितने दिन की कार्यशाला है और कितने लोग इसमें और कौन कौन भाग ले रहे हैं? ये 2 दिन का प्रोग्राम है, यहाँ 9 और 10 तारीख का था, फरवरी का था, और इसमें जुडिशरी के लोग जो हैं, पहले उनके लिए ट्रेनिंग थी, फिर बाद में इसमें जो है ये पुलिस के और जो प्रोसिक्यूशन विभाग के लोग हैं उनको इसमें जोड़ा गया है। एच टुडे के लिए धर्मशाला से निरुपजीत निपी की रिपोर्ट।